अपना मैच जब होता है मुंबई इंडियन और चेन्नई सुपर किंग का, मेरे लिए सबसे मुश्किल मैच वो होता है कि उसमें बट एनी वे बज्जुबा, सीएसके के लिए आप खेल रहे हो, आपने एमआई के लिए खेला, दोनों टीम में आपको कैसा, मतलब क्या क्या दोनों टीम की क्या अच्छाई है क्या बुराई है? बुराई तो मत करो दोनों टीम की, अच्छाई बताओ। और क्या, अच्छाई ये मैं आई एम बता श्योर देता हूँ, बुराई तू बता एमआई, देना। आई एम श्योर एमआई और सीएसके वाले दोनों देख रहे होंगे ये तो। बिल्कुल बिल्कुल देख रहे होंगे, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, अच्छी बातें मैं बताऊंगा, बुरी बातें कप्तान। यार दोनों टीमें ना अलग है बिल्कुल। बिल्कुल हाँ, एमआई का सेटअप बहुत उस तरीके का है कि हर चीज बिल्कुल सही होनी चाहिए, 1 2 3 4 हाँ 5 10 तक बिल्कुल सही चीजें होनी चाहिए, मीटिंग है, प्रैक्टिस सेशंस हैं, कि बहुत जो कहते हैं ना प्रोफेशनली जैसे टीम को वो चलाते हैं उस तरीके से चलाते हैं। और बड़ी मजेदार टीम है, मैं तो 10 साल खेला हूँ यार, मेरा अभी भी मन ऐसा ही होता है कि हाँ यार, अपना मैच जब होता है मुंबई इंडियन और चेन्नई सुपर किंग का, मेरे लिए सबसे मुश्किल मैच वो होता है कि उसमें मेरे को समझ ही नहीं आती यार हो क्या रहा है। कि ऑफकोर्स कि मन करता है कि मैं अच्छा करूं वो करूं, बट एट द सेम टाइम सामने भी मेरी टीम ही है। बिल्कुल बट दोनों टीमों में फर्क जो मुझे चेन्नई में लगा 2 साल में, जो मुझे यही लगा, बहुत ज्यादा रिलैक्स टीम है चेन्नई, कुछ ज्यादा हाँ मीटिंग्स वगैरह नहीं करते हैं, प्रिपरेशन भी सब प्लेयर्स को ऊपर ही छोड़ते हैं, व्हाट ऑल यू वांट टू डू यू डू इट, और कोई ऐसा लगता नहीं है कि मैच का कोई इतना ज्यादा प्रेशर है। वेयर एज एमआई में जब एमआई में थोड़ा मुझे प्रेशर हमेशा फील होता था, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस हमारी ऐसी हैं कि हमने जीतना ही है, हर हर मैच जीतना है, नॉट कि चैंपियनशिप बट हर मैच जीतना है। तो विच इज ऑल्सो गुड गुड थिंग कि अगर आपका वैसा वो सीएसके का थोड़ा सेटअप जो है वो थोड़ा रिलैक्स वाला सेटअप है, कि मैच वाले दिन तक हमें पता नहीं होता कि आज मैच है भी या नहीं है। बट अच्छी दोनों बात टीमें है। हैं जबरदस्त टीमें, दोनों मतलब ऐसी टीमें हैं जो मतलब मैं आई वुड से आई वाज लकी इनफ टू प्ले फॉर बोथ द टीम, कि 10 साल मैंने यहाँ निकाले हैं, और दोनों ही स्ट्रॉन्गेस्ट टीमें जो आईपीएल की अब तक की हुई हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा टाइटल्स जीते हैं। तो टू बी पार्ट ऑफ द टीम, आई फील आई वाज वेरी लकी एंड आई स्टिल मिस माय डेज विद द मुंबई इंडियंस, की क्या मजे आते थे। बिल्कुल आपने सही बताया ये बात कि एक टीम ज्यादा ही फोकस करती है कि हमें जीतना है जीतना है जीतना है, ये करना है वो करना है। और सीएसके जो आपने बताया और जो हमने भी सुना है कि एकदम रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर रखती है ये वो, बट आई थिंक कहीं ना कहीं जो वो एक बैलेंस होता है दोनों दोनों का, वो बैलेंस मेंटेन करना जरूरी होता है। वही कोशिश हमारी मुंबई इंडियंस में अभी रही है पिछले कुछ 3 4 सालों में, कि वो एक बैलेंस बना के रखना है कि हार जीत तो होती रहेगी, बट एट द एंड ऑफ द डे यू गॉट टू मेक श्योर दैट कि आप 100% दे रहे हो ग्राउंड पर जाकर। ये नहीं कि बस मैच है तो चलो बैग पकड़ लिया और निकल लिया ग्राउंड पे, वो वाला सिचुएशन नहीं है। बट हम बैलेंस बनाने की कोशिश करते, क्योंकि अभी महिला ने अच्छा काम किया है टीम के साथ, उन्होंने वो एक बैलेंस बनाने की कोशिश की है टीम के साथ। आई एम श्योर वहां पर आप लोग के वहां वहाँ पर हमारे सिर्फ MS धोनी देखता है, जो देखता है ही इज होल एंड सो इन चार्ज ऑफ द टीम, ही टेक डिसीशंस कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। बहुत सिंपल प्रोसेस है वहाँ पे, कोई फ्लेमिंग बहुत शांत ठंडे स्वभाव का बंदा है, और बिल्कुल अलग टीम है यार, दोनों बहुत अलग टीम है और दोनों ही चैंपियन अच्छा टीमें हैं। कोई ऐसा वो धोनी या फ्लेमिंग, ये दो आदमी है ये जो टीम चलाते हैं, दे डिसाइड कि क्या होना चाहिए क्या नहीं और प्लान्स कैसे हैं। बट हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको देते हैं कि अपनी फिटनेस करो, अपने तरफ से तुम गेम रेडी रहो, और कोशिश ये होती है सीएसके की कि वो ज्यादा टीम को चेंज नहीं करते। अगर हाँ पहले मैच से लेके अगर तुम देखोगे 12 13 14 मैचों 15 मैचों तक जहां तक वो खेलते हैं, एक आध कोई चेंज होगा, नहीं तो तकरीबन सेम टीम ही खेलती है। तो क्योंकि उनका मानना है, समवन लाइक शेन वॉटसन लास्ट ईयर ही वाज इन स्कोरिंग रन्स, और उससे पहले साल में उसने यार बड़े रन सॉरी बनाए सॉरी थे। आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ मैं, क्योंकि एक बंदे ने यहाँ पे लिखा है कि बज्जू बा को पूछो कि उनके जो एयरपोर्ट्स डाले हुए कान में कितने कितने रुपए का है। ये नकली वाले हैं यार, ये चाइनीज है।
हाँ यार ये चाइनीज है, मुझे पता नहीं, मुझे किसी ने गिफ्ट दिए थे, पता नहीं असली ये नहीं हाँ, तो आप वॉटसन के बारे में बोल रहे थे। है। हाँ वॉटसन लास्ट ईयर ना उसने 13 मैचों में रन नहीं बनाए थे, 13 या 14 मैचों में, हाँ देन वी प्लेड द फाइनल सौ बनाया उसने एंड फिर। हाँ, तो कुछ ऐसा बैक करते गए उसको लगातार कि मतलब यू नो ही'ल कम गुड। एंड मुंबई इंडियंस के सामने जो फाइनल वो लास्ट बॉल वाला मैच हुआ है उसमें हाँ वॉटसन ने ऑलरेडी वो ऐसी इनिंग खेल दी थी कि वो मैच विनिंग इनिंग हो ही गई थी, वो ऑलमोस्ट जीता ही तो गया। ना ऑलमोस्ट जिता ही दिया। तो ऐसे प्लेयर को बैक करते हैं एज यू वर सेइंग राइटली कि यू नीड टू नो कि प्लेयर को बैक करना चाहिए, और समवन लाइक वॉटसन जिसमें जिसको पता है कि यार ये प्लेयर में बड़ा दम है, अपने मैच दम पे ना जिता सकता है, तो ऐसे प्लेयर को हमेशा बैक करना चाहिए। इवन